ये देखो, ये कहता है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, ठीक है, एंड स्टील रॉड आर अल्फा वन एंड अल्फा टू। ब्रास है और स्टील का रॉड है, दो का, एक का कोफिशियंट अल्फा वन है, एक का कोफिशियंट अल्फा टू है। वी लेंथ ऑफ द ब्रास एंड स्टील आर एन वन एंड एन टू रिस्पेक्टिवली। देखो पहले जो लेंथ है वो हम ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। चलो एक रॉड बनाते हैं, एक स्टील का बनाते हैं। ये आ रहा हमारा फेवरेट स्टील, ठीक है, और ये रहा फेवरेट रॉड, ये ब्रास का, ठीक है। इसकी लेंथ L1 है पहले है, इसकी लेंथ L2 है पहले, ठीक है। अब ये कहता है ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, उल्टा लिख दिए भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सी उल्टा लिखता तो मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, घबराओ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हो गया, पूरे के पूरे गायब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये L1 है और ये L2 है, पहले ये दिया हुआ, तो ये अल्फा वन है और ये अल्फा टू है, ठीक है, ऐसा ये बता रहे हैं, ठीक है। अब कहता है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, L1 टू L2 इज मेंटेन एट द सेम एट ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मान लो यार ये 10 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर का अगर डिफरेंस है इनमें, तो वो डिफरेंस किसी भी टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट है, किसी भी टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट है। आप इनको टेम्परेचर तो दे रहे हो, पर इनका जब डिफरेंस ले रहे हो तो कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, ऐसा कंडीशन बताया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड, इसमें कौन सा इसके अकॉर्डिंग तब सही होगा। तो हम सबको पता है कि फाइनल लेंथ जो होता है, फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ एल नॉट वन प्लस अल्फा टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, है ना। तीन टाइप का क्यूबिकल एक्सपेंशन था, एरियल एक्सपेंशन था, लीनियर एक्सपेंशन था, पढ़े थे तीन टाइप का, ठीक है। तो ये लीनियर एक्सपेंशन के लिए फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ वन, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होता है। तो एक बार इसको लिए मैं ब्रास के लिए लगाता हूँ, एक बार मैं स्टील के लिए लगाता हूँ। तो ब्रास के लिए लगाऊँ तो मान लो L1 डैश कुछ टी टेम्परेचर देने के बाद चेंज हो गया होगा, 12 से 14 सेंटीमीटर हो गया होगा, तो L0 एल नॉट वन प्लस अल्फा वन डेल्टा थीटा, ठीक है। चलो एक खास टेम्परेचर दिए, दोनों को सेम टेम्परेचर दिए, ठीक है। और स्टील का हो गया एल टू डैश इज इक्वल टू एल नॉट, पहले से दिया हुआ था, तो ये एक्चुअली पहले से इनका लेंथ दिया हुआ था L1 L2, तो ये L1 ले लेते हैं, ये L2 ले लेते हैं, तो 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है। अब ये कह रहा कि आप कोई भी टेम्परेचर ले लो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी टेम्परेचर ले लो, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। L1 डैश माइनस L2 डैश मस्ट बी इक्वल टू L1 L1 माइनस L2, दैट इज कोई भी टेम्परेचर पर डॉट डॉट डॉट, ये कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये अगर कांस्टेंट रहता है तो L1 माइनस L2 या L2 माइनस L1 जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो इस वाले में से इसको घटा दो। इसका मतलब ये हुआ कि L2 माइनस L1 डैश, ठीक है, ध्यान देना मैं दूसरे वाले में से पहले को माइनस कर रहा हूँ, तो L2 माइनस L1 आता है ना घटाने, तुम भी घटा लेना ऐसे, L2 माइनस L1 प्लस डेल्टा थीटा कॉमन हो गया और यह आ जाएगा L2 अल्फा 2, ठीक है, L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2। ये अब ये कहता अगर ये दोनों कांस्टेंट है, टेम्परेचर से चेंज नहीं होते हैं, तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल है जो कि कट गई, ठीक है, और ये पूरा जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर जीरो आ गया, जीरो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 2 L2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1, दैट इज द एग्जैक्ट रिलेशन। अगर ऐसा हुआ तो सभी टेम्परेचर पे इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, मतलब L1 अल्फा 1 और L2 अल्फा 2, मतलब बी ऑप्शन हम लोग का सही है।